किस कुनाल खे मुंह से कहूं कि मेरा धंधा जा रुक रुक के ना चले, मेरा नाम ऋतिक रोशन करे। सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक विद तोतन चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त तोतन। सो दोस्तों, आज बात करेंगे इंटरनेट को एक्सेस करते हुए एक बेसिक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है वेबसाइट्स को एक्सेस करते हुए YouTube वीडियोस का डायरेक्ट YouTube ऐप पे प्ले होना। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर हमें गूगल क्रोम में ही देखने को मिलती है, क्योंकि एज ए ब्राउजर हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। सो प्रॉब्लम भी छोटी सी है, लेकिन प्रॉब्लम काफी होती है। तो फिर आइए देखते हैं कि कैसे हम क्रोम पर वेबसाइट पे रहते हुए ही यूट्यूब वीडियोस को बिना कहीं रिडायरेक्ट हुए प्ले कर सकते हैं, और वो भी ब्राउजर में रहकर। हाथ मिलाओ इस बात पर। तो फिर आओ इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। आप भी ठीक करके देता हूँ। ये क्लिक किया और ये हो गया रिडायरेक्ट। सो फ्रेंड्स, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपके फोन के अंदर ही है, लाइक आपके मोबाइल सेटिंग में। तो सीधी तरह से हम चले जाते हैं मोबाइल सेटिंग पर, फिर स्लाइड करके नीचे आते हैं और क्लिक करते हैं इंस्टॉल्ड एप्स पर। हम आ चुके हैं एप्स के मैनेज ऐप सेक्शन पे। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखता होगा कोने पर, इस पे आपको ओके करना है। डिफॉल्ट एप्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ सिंपल सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत है, जिससे आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बिल्कुल हो जाएगी। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे ब्राउजर ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम हमारा ब्राउजर सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम क्रोम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब वीडियोज देखने के लिए, कोई भी वीडियोज देखने के लिए। सो दोस्तों, हम क्रोम पे सिलेक्ट कर देते हैं, बैक कर देते हैं। रुकिए रुकिए दोस्तों, बस इतना ही नहीं, कुछ और भी करना है। सो दोस्तों, एकदम नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको ओपनिंग लिंक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो एप्स जैसे है यहाँ पे वैसे ही रख दीजिए, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और आपके यूट्यूब ऐप को ढूंढ लीजिए। दोस्तों एकदम आखिर में हमको यूट्यूब ऐप दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओपन सपोर्टेड लिंक्स दिख रहे होंगे, इस सेक्शन पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, इसी ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा ओके किया हुआ है, इसीलिए हम जब भी क्रोम में कोई भी यूट्यूब वीडियो ओपन करना चाहते हैं, क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट होके आ जाते हैं यूट्यूब ऐप पर। सो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि ऐसा फिर से हो। दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे 3-2 ऑप्शन दिख रहे होंगे नीचे, आस्क एवरी टाइम और डोंट ओपन। सो दोस्तों, अगर आप डोंट ओपन करते हैं तो आपका रिडायरेक्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे आस्क एवरी टाइम पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये हमको पूछ लेगा कि जब भी हम क्लिक कर देंगे किसी वीडियो पे, तो आपका ऑप्शन आपको पूछ लेगा कि आपको क्रोम में ही देखना है या फिर यूट्यूब पे जाना है। तो इससे हम अपने हिसाब से यूट्यूब में और क्रोम दोनों जगह में अपने हिसाब से वीडियोस को प्ले कर पाएंगे। क्लिक कर देते हैं आस्क एवरी टाइम पर, और बस आपको यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका क्रोम ब्राउजर जो कि है वो अपडेटेड है कि नहीं। अपडेट नहीं है तो अपडेट कर ले यहाँ से, या फिर इस सेटिंग को करने के बाद आप अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। सो अब चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे और देखते हैं ये सेटिंग्स जो अब तक हमने की, ये काम आई कि नहीं। सो दोस्तों, वो सर्च पेज हम फिर से वहीं पे आ चुके हैं। अब कोई भी वीडियो हम यहाँ से प्ले करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यूट्यूब पे इस वीडियो को प्ले करना चाहते हैं या फिर क्रोम पे। दोस्तों आपके पास ऑप्शन हैं, अब आप बिना रिडायरेक्ट हुए यहीं पे वीडियो प्ले कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब ऐप पे भी आपके हिसाब से वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। अब अगर आप क्रोम पे क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो जो है वो क्रोम पे ही प्ले होगा, ना कि यूट्यूब ऐप पर, और वो भी बिना रिडायरेक्ट हुए। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे ये ना पूछा जाए कि आप कहाँ पे प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेटिंग थोड़ी चेंज करनी होगी। तो वहीं पे फिर से चले जाते हैं सेटिंग पर, और दोस्तों यहाँ पे आप डोंट ओपन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से दोस्तों आप आपके क्रोम ब्राउजर पे कोई भी यूट्यूब वीडियो प्ले करने जाएंगे तो वो डायरेक्ट क्रोम पे ही प्ले होगा, नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आपको कहाँ प्ले करना है, और रिडायरेक्ट भी नहीं होगा, और वीडियो डायरेक्ट प्ले होने लगेगी आपके क्रोम ब्राउजर पे ही, वो भी बिना कहीं रिडायरेक्ट हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रिक आपके लिए काम ना करे, तो दोस्तों उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। और आपने क्लिक करके भी देख लिया कि आपको अभी भी वो रिडायरेक्ट वाला प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे कोने में 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिए। अब गूगल क्रोम पे आपका वेबसाइट या आपका वेब पेज आ चुका है डेस्कटॉप साइट में। सो अब आप क्लिक कीजिए अपने जो भी वीडियो का प्ले करना चाहते हैं उस पर, तो आप देखिएगा कि आपका जो वीडियो जिस पे आपने क्लिक किया प्ले होने के लिए, वो बिना रिडायरेक्ट हुए आपके क्रोम ब्राउजर पे ही
YouTube वीडियो आपका प्ले हो रहा है और वो भी बिना YouTube ऐप पे रिडायरेक्ट हुए। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो और ये ट्रिक दोनों आपको काफी पसंद आई होगी। सो वेट किसका कर रहे हो, कर दो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, जो भी आपका दिल चाहे। सो बाय।